हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि मैंने नूर को पैसिफायर कब स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया और क्या मैं रेकमेंड करूंगी कि बच्चों को पैसिफायर दें। तो नूर की शूज शॉपिंग के लिए हम लोग आए हुए हैं और अभी एडिडास में ये वाला ट्राई किया है। नहीं, अभी तो यही दिखा दो आप। ये अच्छा लग रहा है काफी ना। तो ये हमने पहले भी लिया था नूर के लिए छोटे साइज में। शाम हो गई, बच्चे सो के उठ गए एक अच्छी नैप लेके। अब मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया। ओके, तो सबसे पहले मैंने लिया ये सिपर, ये रैबिटेट का सिपर है और ये इस तरीके से खुलता है। तो नूर को स्ट्रॉ से पीने की आदत है, बिकॉज इससे पहले वो लवलैब का सिपर यूज करी थी जिसे बहुत कंफर्टेबल थी, बट वो ट्रैवल के टाइम पे नीचे बहुत बार गिर गया और फिर वो टूट गया, तो इसलिए मुझे उसके लिए कुछ लेना था और मैं ऑनलाइन नहीं मंगा पा रही थी, तो ये मैंने सिपर लिया। ये लिया है एक इंसुलेटेड लंच बॉक्स। कभी कभी होता है ना, आप ट्रैवल करते और बच्चे का कुछ आपको गर्म खाना रखना है बहुत देर के लिए, तो उसके लिए मैंने सोचा इसे यूज कर लें। प्लस कबीर जाता है ट्रेनिंग्स वगैरह में तो आराम से इसमें कुछ भी लेके जा सकता है। उसके बाद ज़ारा से करी कुछ शॉपिंग, बिकॉज बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी काफ़ी सारी, बिकॉज गर्मी आ गई और कपड़े नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट टी शर्ट जो कबीर के लिए ली है, स्ट्रीट वेयर टी शर्ट है। एंड देन दिस इज अ डेनिम, अगेन ये रग्ड डेनिम है, वेरी लाइट डेनिम शर्ट मिली। तो अभी हमारा प्लान है थोड़ा ट्रैवल वगैरह करने का, तो वहां पे ये अच्छा काम आ जाएगी। इट्स अ जिपर। हमने लिया ये बहुत ही क्यूट बैक पैक। तो कबीर की एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसका बर्थडे आ रहा है, तो उसने मुझे बोला आंटी मुझे बैक पैक चाहिए, तो फिर मैंने उसके लिए बैक पैक पिक कर लिया। मुझे काफी अच्छा लगा, काफी स्पेशियस है। उसके बाद ये क्यूट क्यूट चीजें बहुत पिक करी नूर के लिए, वेरी वेरी समरिश। ज़ारा का एक्चुअली काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है समर वेयर का। सो अगेन दिस इज़ अ वाइट टॉप एंड देन वी हैव दिस क्यूट लिटिल पर्पल टी शर्ट फॉर नूर एंड देन अनदर क्यूट लिटिल वाइट टी शर्ट फॉर नूर। दिस इज अनदर वाइट टी शर्ट, बड़ा सिमिलर ही है, थोड़ा सा स्टाइल अलग है। एंड दीज आर वेरी वेरी कूल ग्लासेस फॉर कबीर, ये भी हमें ज़ारा से ही मिल गए। एंड देन देर इज एडिडास का शू जो नूर के लिए पिक किया, वो मुझे अभी मिल नहीं रहा, बट आपने वो स्निपेट में देख लिया होगा। सो एडिडास पे भी ना बहुत छोटे बच्चों के साइजेस मिल जाते हैं, और ये वाला जो शू है ये बहुत लाइट शू है, तो हर तरीके का शू मिलता है, तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। आई नो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि यू नो, क्योंकि बच्चे का साइज इतनी जल्दी चेंज होता है, तो आप नॉर्मल शू भी देखो, बट नूर के लिए ना हमें लोकल कोई शू मिल ही नहीं रहा है, सो इसलिए अभी हमें जो मिला हमने वो ले लिया। सो दिस इज अबाउट इट, लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग, एक डेढ़ घंटे में हमने रैपअप किया और फटाफट घर आ गए, बिकॉज कहीं जाना है रात को, तो उसकी भी तैयारी करनी थी। सो गाइस, बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, बट सब लोग रेडी हो गए हैं। मैं 5 मिनट लगाऊंगी रेडी होने में और मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे क्विकली रेडी होती हूँ, इवन इफ देर इज अ बर्थडे पार्टी। सो मैंने अपनी स्किन को पहले प्रेप कर लिया विद एवरीथिंग और मॉइस्चराइजर लगा लिया, सनस्क्रीन ऑब्वियसली नहीं लगाएंगे। अब मैं दो इंपॉर्टेंट चीजें लगाने वाली हूँ। पहला है ये 2% नायासिनामाइड पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर, एंड द सेकेंड विल बी 2% नायासिनामाइड हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम जो मैं प्राइमर के ऊपर लगाऊंगी। दैट्स इट। उसके बाद ब्लश ऑन लगाएंगे, काजल लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे एंड वी विल बी रेडी टू गो। तो मैं इसका एप्लीकेशन दिखाते हुए आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ। अगर आपके पास ये दोनों है ना, तो यू लिटरली कैन गेट रेडी इन 5 मिनट्स। लेट्स सी हाउ। सो गाइज, मॉइस्चराइजर के बाद हम लगाएंगे प्राइमर। यहाँ पे मैं एक पी साइज अमाउंट ले रही हूँ और इसको डॉट करूंगी ऑल ओवर माई फेस एंड नेक। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है और बहुत अच्छा कवरेज मिलता है। प्राइमर एक ऐसी चीज़ है जो आप रोज अप्लाई कर सकते हो, या आपकी स्किन को इवन टोन देता है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करता है एंड पोर्स एंड फाइन लाइंस को भी मिनिमाइज करता है। बिकॉज इसके हीरो इंग्रेडिएंट्स हैं नियासिनामाइड, साथ ही विटामिन ई जो बिल्कुल भी स्किन को ड्राई नहीं होने देते, एक अच्छा नरिशमेंट देते हैं, एंड सेबो क्लियर एमपी एंड एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। सो ये लग गया प्राइमर। अब आप अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ सकते हो, बट अगर आप मेकअप करने वाले हो तो आप बीबी क्रीम या फाउंडेशन लगाओ। मैं यहाँ पे बीबी क्रीम यूज कर रही हूँ बिकॉज मैं यही जनरली प्रेफर करती हूँ। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लगता है, बट क्योंकि नाइट इवेंट है तो मैं थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी ले रही हूँ। अगेन मैं डॉट कर लूंगी ओवर माई फेस एंड माई नेक। ये भी बहुत अच्छा कवरेज देता है। द बेस्ट पार्ट इज बहुत ही लाइट वेट है। अभी समर्स चल रहे हैं तो मैं इसको यूज
यूज करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी स्किन पे हेवीनेस फील नहीं होती, नॉन ग्रीसी है, इनफैक्ट मेरी स्किन काफी हाइड्रेटेड फील करती है, बिल्कुल ड्राई नहीं फील करती। एंड यू नो अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज, अगर आप इसे डे में लगाते हो तो आपको सनस्क्रीन यूज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसमें SPF 30 भी है। सो ओवरऑल जब मैं ये बीबी क्रीम लगाती हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि मेरी जो स्किन टोन है वो इवन आउट हो गई है, कोई भी मार्क्स या डार्क स्पॉट्स है मेरे फेस पे तो वो भी रिड्यूस करके ये दिखा रहा है। सो यू नो इसमें जो नियासिनामाइड का एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो बहुत अच्छा काम करता है। गाइज ये दोनों ही प्रोडक्ट्स आप द डर्मको की वेबसाइट से ले सकते हो, Amazon, Flipkart, नायका से भी ले सकते हो, बट वेबसाइट से लेने के दो फायदे हैं। एक, आपको मिलेगा डिस्काउंट, आप मेरा कूपन कोड यूज कीजिए MOMCOM2023 द डर्मको की वेबसाइट के किसी भी प्रोडक्ट पे और आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और आप जब द डर्मको की वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट लेते हो तो वो आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं टू अ चाइल्ड दैट दे प्लेज टू एजुकेट ऑन योर बिहाफ। उन्होंने प्लेज लिया है कि वो एक साल में 10,000 से ज्यादा बच्चों को एजुकेट करेंगे, विच इज अ वेरी वेरी गुड कॉज। एंड गाइस सी एग्जैक्ट 5 मिनट में मैं रेडी हो गई हूँ, राइट सौरभ? यस। सो ये जो प्राइमर एंड हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम है ये बहुत ही अच्छा है और बहुत क्विक है, स्पेशली गर्मी के वेदर के लिए ना, ये बिल्कुल चिपचिप नहीं करता, तो आई रियली लाइक इट। एंड दिस इज माई फाइनल लुक, वेरी नाइस ब्लैक, बिकॉज बर्थडे गर्ल भी ब्लैक एंड व्हाइट पहन रही है। एंड दिस इज माई नाइस बैग एंड नाइस। और ये सेटल होने के बाद ना बिल्कुल ही लग रहा है कि नो मेकअप। हाँ, वो शुरू में आपको शायद थोड़ा सा व्हाइटिश लगेगा बट वो सेटल हो जाता है और आप थोड़ी और क्वांटिटी कम यूज कर सकते हो। मैं तो थोड़ी ज्यादा करी थी बिकॉज जब तक मैं पहुंचूंगी तब तक और डाउन हो जाता है, बट या अकॉर्डिंगली आप अपनी यूज कर सकते हो। Superb, guys, superb. I feel like I should wake up my stretch. Then I think that's a special moment for you. हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि मैंने नूर को पैसिफायर कब स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया और क्या मैं रेकमेंड करूंगी कि बच्चों को पैसिफायर दें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे दो बच्चे हैं, एक कबीर जो 6 साल का है और एक नूर जो अब ऑलमोस्ट 1.5 साल की होने वाली है। कबीर के टाइम पे मैंने पैसिफायर यूज नहीं किया था बट नूर के टाइम पे सर्टेन रीजंस की वजह से मुझे पैसिफायर स्टार्ट करना पड़ा। मेन रीज़न ये था कि नूर जब 2.5 महीने की थी तो उसके नीचे के 2 दांत आ गए थे। 2 दांत इतने छोटे बच्चे के आना काफ़ी इरिटेबल उन्हें बना सकता है और वो बहुत ही छोटे होते हैं टू एक्सप्लेन एनीथिंग, उसको उनको उस टाइम पे कुछ दिया भी नहीं जा सकता कि आप उसे ज़्यादा सूद कर सके, तो काफ़ी इरिटेबल रहती थी। डॉक्टर ने हमें ऑप्शन भी दिया था कि आप ये 2 दांत निकलवा भी सकते हो बट इतने छोटे बच्चे की क्या कोई सर्जरी कराएगा, तो हमने वो ऑप्शन मना कर दिया। उसके बाद हम अराउंड 4.5-5 महीने में पहली बार नूर के साथ ट्रैवल कर रहे थे, कैलकाटा जा रहे थे अन्नप्राशन के लिए। तो हमें लगा कि फ्लाइट के लिए नॉर्मली क्या सजेशन होता है कि बच्चे के कानों में दिक्कत ना हो तो आप टेक ऑफ के टाइम पर, लैंडिंग के टाइम पर उन्हें फीड कीजिए। बट नूर के साथ क्या होता था कि अगर आप उसको भूख नहीं लगी है तो आप उसको फीड नहीं करवा सकते हो, मतलब आप उस वो कोई फीड लेगी ही नहीं। तो हमें लगा कि ठीक है, इसका बैकअप ऑप्शन है कि हम सिर्फ ट्रैवल के लिए पैसिफायर इंट्रोड्यूस करते हैं और देखते हैं वो उसको सूद कर देगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो अराउंड 5 मंथ्स पे जब हम कैलकाटा जा रहे थे उससे 10 से 12 दिन पहले हमने मदर केयर का पैसिफायर खरीदा और हमने कहा चलो इसको ट्राई कर लेते हैं ताकि ऐसा ना हो कि फ्लाइट में वो ये लेना। जब हमने ट्राई किया तो हमने देखा कि वो उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करी थी और वो उसको काफ़ी सूद कर देता था। हम उसे थोड़े थोड़े टाइम के लिए ही दे रहे थे बट उसे बहुत सूद कर देता था। जब हमने ये देखा तो हमें लगा यार, मतलब ये तो बच्चे को भी काफ़ी हेल्प कर रहा है
एंड उससे भी बड़ी बात ये हमें कबीर के साथ भी बहुत हेल्प कर रहा था. बिकॉज क्या होता है, देखो जब आपके साथ दो बच्चे होते हैं ना, स्पेशली जब आपका जो बड़ा बच्चा है उसके साथ आप बहुत इन्वॉल्व रहे हो, बिकॉज आपका फर्स्ट चाइल्ड था, तब आपके पास ज़्यादा टाइम था, तब आपके पास एनर्जी ज़्यादा थी, तो आप बहुत ही इन्वॉल्व पेरेंट रहते हो. सेकेंड चाइल्ड के टाइम पे आप जितना भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करो ना, आप 100% हो ही नहीं सकते, बिकॉज यू हैव टू किड्स. ठीक है, और जो बड़े वाले की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है इस न्यू पीरियड में. बिकॉज ये जो न्यू पीरियड है इसमें क्या होगा कि या तो बड़ा वाला बिल्कुल ऑफ हो जाएगा या वो आपके साथ इन्वॉल्व होके बेबी की तरफ उतना ही अफेक्शन जेनरेट करेगा जितना उसको करना चाहिए. अदरवाइज ये स्टेज बाद में आती है. अब हम नहीं जाते थे कि इस फेज में कबीर बिल्कुल इग्नोर फीड करे या उसे ऐसे लगे कि सारा हमारा टाइम वहाँ ही जा रहा है या उसे ऐसे लगे कि अच्छा बेबी तो सारा टाइम रोता ही रहता है, यू नो मैं कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करूँ. बिकॉज इतने छोटे बच्चों को घर में ये रोना वाला कॉन्सेप्ट बहुत पसंद नहीं आता है, वो इससे भी काफ़ी ऑफ हो जाते हैं. तो हमें लगता था यार सुधर देने से मतलब नूर भी काम हो रही है और कबीर भी बहुत हैप्पी है, वो भी देख रहा है कि भाई बिल्कुल ऐसा कुछ रोने वगैरह वाला नहीं हो रहा है. क्योंकि कबीर को भी ना लाउड नहीं पसंद है, उसको भी एक शांत माहौल पसंद है. हम एक न्यूक्लियर सेटअप में रहते हैं, सौरभ है, मैं हूँ, दोनों बच्चे हैं और मेरी मॉम कभी कभी आ जाती हैं. तो छोटी सी फैमिली है, हम लोग बिल्कुल लाउड नहीं है, ऐसा कुछ मतलब हमारा हुहा टाइप कुछ भी नहीं है. तो बच्चों को भी काम और एक क्वाइट एनवायरनमेंट पसंद है. तो हमने देखा कि कबीर को भी अच्छा लग रहा है. और क्या होता है, सूदर देने से बच्चा जल्दी सूद हो जाता है, जल्दी सो भी जाता है. तो मुझे लगता था यार मेरे पास भी टाइम है, अब मैं जाके वो टाइम कबीर के साथ स्पेंड कर सकती हूँ. एनर्जी भी ज़्यादा फील होती थी, बिकॉज अदरवाइज बच्चे को लेके यू नो सुलाने के लिए इतना टाइम आप स्पेंड कर देते हो. तो ओवरऑल ना हर चीज़ वाइज हमें लग रहा था कि यार ठीक है, ये सूदर मतलब जो है हमें कबीर के साथ भी हेल्प कर रहा है, ये सूदर हमें नूर को भी थोड़ा काम करने में हेल्प कर रहा है, बिकॉज उसका दांतों वाला शुरू से बहुत परेशान कर रहा था. तो हमने वो सूदर कंटिन्यू किया ट्रैवल करने के बाद भी, और फिर नूर को पड़ गई उसकी आदत. अब उसको इतनी आदत पड़ गई है कि वो सूदर को लिटरली ढूंढती है, और मतलब अंधेरे में भी वो अपने आप ही अपना सूदर ठीक से मुंह में लगा सकती है, बिकॉज नाउ शी नोज एंड शी नोज कि उसको ये चीज़ सूद करती है. सो ये तो था क्यों. अब बात करते हैं क्या मैं रेकमेंड करूँगी. नहीं, मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी. अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड है, तो आप टोटली इसे अवॉइड कीजिए. बच्चे अपने आप को काम कर ही लेते हैं. मैंने कबीर के साथ ये एक्सपीरियंस किया, बच्चे का काम है रोना, वो रोएंगे, आपको फिगर आउट करना है किस लिए रो रहे हैं, उन्हें हेल्प करना है और वो सूद हो जाते हैं. बट सेकेंड चाइल्ड के केस में अगर आप थोड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है, तो आप कर लीजिए. बट इसका कौन यही है कि आप स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि ये एक एडिक्शन बन जाता है. बच्चे को काफ़ी इसकी आदत हो जाती है, बच्चा इरिटेबल हो जाता है कि उसको सूदर चाहिए ही चाहिए, और आप वो इरिटेबिलिटी बच्चे में देख सकते हो. और मेहनत लगती है, जैसे बॉटल छुड़वाने में मेहनत लगती है, वैसे सूदर छुड़वाने में मेहनत लगती है. तो हमने नूर के ऊपर अब काम करना स्टार्ट किया है ताकि हम उसका सूदर छुड़वा सकें. क्या सूदर से कोई नुकसान होने का चांस होता है? देखो नुकसान यही होता है कि एडिक्शन होती है. दूसरा नुकसान ये होता है कि अगर आप हाइजीन नहीं मेंटेन करते हो गाइस, तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, वेरी सिमिलर टू बॉटल. क्योंकि सूदर में भी बच्चा निप्पल अपने मुंह में डाल रहा है, वो जो निप्पल है अगर वो गंदा हो जाए, जैसे फ्लोर पे गिर गया, आपने उठा के वही डाल दिया, तो बच्चे के मुंह में गंद चला गया, तो अगेन एक और रीज़न बन जाता है जिससे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है. दूसरा, आपको सूदर्स को एवरी फ्यू मंथ्स में चेंज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगेन निप्पल ही है, तो जैसे हम बॉटल को चेंज करते हैं वैसे इसको भी चेंज करना है, बिकॉज बच्चा इसको कॉन्स्टेंटली सक करता है. सो या दिस इज इट. पेरेंटिंग बहुत ईजी नहीं है. कुछ डिसीजंस आपके सही होते हैं, कुछ डिसीजंस गलत होते हैं, बट सिचुएशन की वजह से आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, विच इज ओके. आपको आगे जाके करेक्ट करने का मौका मिलता है, बट या दैट्स हाउ इट इज. सो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप सूदर्स यूज करो. इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं. अपना क्वेश्चन नीचे छोड़ दीजिएगा, हम आपके क्वेश्चन पढ़ते हैं, और हर ब्लॉग में हम एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे. सो या सी यू सून. बाय बाय. सब्सक्राइब टू द चैनल.